गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हम अपने फैट को कम कर सकते हैं। एक हम आसान टिप्स के साथ आपको बताना चाहूँगा। कृपया अच्छा लगे तो शेयर व लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट आता है कि एक्सरसाइज के द्वारा हम किस प्रकार से अपने पेट को या अपनी ओबिसिटी को या अपने फैट को कम कर सकते हैं। पीठ के बल लेट कर दोनों पैर ऊपर उठाएँ। आप पीठ के बल क्या करेंगे, लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। फिर दोनों पैर एक साथ घुटनों से मोड़ें, फिर एक साथ दोनों पैरों को घुटने से मोड़ोगे, फिर 5 सेकंड तथा 5 सेकंड तक हाथों से पैरों को जकड़ कर रखें, पैरों को वापस सीधा करें और 8 से 10 बार दोहराएं। ये प्रक्रिया आप कम से कम 8 से 10 बार दोहराएं। सेकंड आता है अपना खाते समय पानी। खाना खाते समय पानी न पिए। हमें जब खाना खाते हैं उस टाइम पे हमें पानी नहीं पीना चाहिए। इससे खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे अपना खाना क्या होता है कि अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और फैट क्या आता है, बढ़ने लगता है। नेक्स्ट अपना आता है कि सौंफ वाला पानी। सौंफ वाला पानी हमें किस प्रकार से पीना चाहिए। रेगुलर 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ उबाल कर पिए। रेगुलर क्या करना चाहिए आपको, 1 कप पानी लें और इसमें 1 चम्मच सौंफ उबाल कर से पीना चाहिए। इससे डाइजेशन भी सुधरता है और पेट का फैट भी कम हो जाता है, जिससे अपने पेट का फैट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर थर्ड आता है खाने को एक साथ न खाएं। यदि आपको खाना भूख अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा खाना आप न खाएं। 2 या 3 घंटे तक गैप में खाएं। उसके बीच में आपको टाइम अंतर गैप रखना चाहिए, 2 या 3 घंटे के बाद खाना चाहिए। इससे भी क्या हो जाता है, आपका पेट का फैट घटेगा या आपका ओबिसिटी कम होगा। नेक्स्ट आता है अपना ग्रीन टी। ग्रीन टी से पर्याप्त मात्रा में थाइनाइन नामक एमिनो एसिड होता है। ग्रीन टी में क्या होता है, थाइनाइन नामक एमिनो एसिड होता है। ये एसिड क्या करता है, भूख को कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है, आपका ओबिसिटी घटती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना शहद। यदि आप रेगुलर 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए, इससे भी फैट तेज़ी से कम होगा। आपको रेगुलर क्या करना चाहिए, 1 गिलास पानी लेना चाहिए गुनगुना और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर डेली पीना चाहिए। इससे भी फैट क्या होता है, तेज़ी से कम होता है। नेक्स्ट आता है अपना गुनगुना पानी। यदि दिन भर में कम से कम आपको 3 या 4 बार 1 गिलास गुनगुना पानी पिए, इसके फैट को फैट तेज़ी से बर्न होता है। यदि आप दिन भर में कम से कम 3 या 4 बार 1 गिलास गुनगुना पानी पियोगे तो उससे भी आपका फैट तेज़ी से क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, तेज़ी से कम होता है। नेक्स्ट अपना आता है मॉर्निंग वॉक। हमें रेगुलर 2 या 3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक पर जाएं। हमें रेगुलर क्या करना चाहिए, 2 या 3 किलोमीटर तक मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। इससे काफ़ी मात्रा में कैलोरी बर्न होती है, जिससे क्या होता है आपकी काफ़ी मात्रा में कैलोरी होती है वो बर्न हो जाती है और आपका मोटापा कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपना ब्रेकफास्ट। यदि आप ब्रेकफास्ट करते हो तो मॉर्निंग में प्रोटीन डाइट वाला ब्रेकफास्ट ले। मॉर्निंग में क्या करना चाहिए, प्रोटीन जो डाइट वाला ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। इससे अंडा, दूध, केला, फ्रूट जूस जैसी हेल्दी चीज़ें लें। इसमें क्या लेना चाहिए आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, अंडा, दूध, केला, फ्रूट जूस जैसी हेल्दी चीज़ें लेनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है अपना नेक्स्ट ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में प्रोटीन डाइट वाला ब्रेकफास्ट लें। इससे अंडा, केला व फ्रूट जूस भी हल्दी से अच्छी इनको चीज़ें लेनी चाहिए, जिनसे हमारा क्या हो जाता है कि मोटापा कम हो जाता है। और एक हमें नारियल पानी भी सेवन करना चाहिए, उससे भी हमारी ओबिसिटी कम हो जाती है। ओके, थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगा शेयर व लाइक करना ना भूलें।